विकासखंड कमासिन के ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत की बैठक हुई सम्पन्न। शिक्षा स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग से संबंधित सभी पेंशन योजना व क्षेत्र पंचायतों में हो रहे कार्य विकास कार्यों को लेकर बैठक में हुई चर्चा। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद बांदा के विकासखंड कमासिन से है, जहां पर विकासखंड कमासिन के ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत की बैठक सम्पन्न हुई। आपको बता दें कि इस बैठक में विभिन्न पहलुओं के अंतर्गत चर्चाएं की गयी तथा इससे जुड़ी अन्य विषयों की जानकारी भी दी गयी तथा बताया गया कि विकासखंड से संबंधित जो भी समस्याएं बताई गयी उनके लिए अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने के लिए आश्वस्त किया गया। आगे बताया गया कि कार्य क्षेत्र में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनकी जानकारी करके उच्च स्तर पर जानकारी दी जाएगी तथा विभाग से संबंधित समस्त विषयों की चर्चा कर उसमें अग्रसर रहने के लिए तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं की जा रही हैं। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख रविन्द्र गर्ग, जिला पंचायत सदस्य राजा विश्वकर्मा, खंड विकास अधिकारी अमित कुमार, इंद्रेश द्विवेदी व इन सभी विभागों से संबंधित अधिकारी व क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं ग्राम पंचायत अध्यक्ष मौजूद रहे। बांदा से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। सर, आज क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक थी, क्या कहना चाहेंगे सर? आज क्षेत्र पंचायत की नई बैठक होती है, आयोजित की गई थी, इसमें लगभग सभी सदस्य, सभी ग्राम प्रधान और सभी पत्रकार बंधु द्वारा प्रतिभाग किया गया और जो विभिन्न विषय थे, जो भी आपके विभिन्न विभाग के द्वारा जो भी योजनाएं संचालित की जाती हैं उन योजनाओं के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी गई और इसके अलावा जो भी विषय सम्मानित सदस्यों द्वारा उठाया गया उन विषयों पर उनको आश्वस्त भी किया गया है और जो संबंधित विभाग के अधिकारीगण या कर्मचारीगण जो भी थे विभाग ये रहते उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है और आगे जो भी कार्रवाई होगी मेरे द्वारा मैं संबंधित जिला अधिकारी उनके जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनको मैं अवगत कराऊंगा और फॉलो अप करूंगा कि उनके द्वारा क्या कार्रवाई इसमें की गई। प्रश्न ये कि यहाँ जो बैठकें होती बहुत पुरानी से हम देख रहे हैं जिले स्तर से कोई अधिकारी नहीं आता द्वारा एजेंडा भेज दिया गया है इसमें कुछ लिखा पड़ेगी या जिले स्तर के अधिकारी अधिकारी महोदय को लिखा जाएगी यहाँ की बैठकों में खाली हम ही लोग उपस्थित रहते हैं पिछली बार नहीं ये तो मेरा काम मुझे तो मैं ही बताऊंगा कोई दूसरा आएगा भी क्यों नहीं बताएगा नहीं। बताना मेरा ही काम है अपने अपने विभाग की जानकारी हाँ। जैसे समाज कल्याण विभाग की जानकारी दी समाज कल्याण समाज कल्याण ने दिया है लेकिन उनके द्वारा इसीलिए बाल विकास परियोजना इसीलिए जिला समाज कल्याण आपको हाँ मुझे आपने देखा मुझे बार बार सब जवाब देना पड़ा लेकिन मैं जो जिला समाज कल्याण अधिकारी हूँ जो आपने देखा होगा कि हमने पूरा नोट डाउन कराया है अब संबंधित जितने विभाग हैं उन विभागों को जाएगा और काफी डीएम वर्जन और सीधे सरकार ये हमेशा होता है कि अगर किसी द्वारा कोई प्रश्न आपके द्वारा उठाया गया है तो उन प्रश्नों को अब जिला स्तरीय जो उनके अधिकारीगण है उनको भेजा जाएगा प्रेषित किया जाएगा और फॉलोअप किया जाएगा उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई। मतलब कई योजनाओं को लेकर ग्राम प्रधानों के द्वारा और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा सवाल उठाया गया है, क्या उस समस्या का उनकी समस्या का निदान होगा? इसलिए दो चीजों पे ज्यादा मुद्दा उठा है, शिक्षा विभाग का मैटर था और पोषण आईसीडीएस डिपार्टमेंट का था और तीसरा समाज कल्याण विभाग का था। तीन मुद्दे जो काफी सदस्यों के द्वारा उठाए गए। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि समाज कल्याण के साथ जो पेंशन की स्कीम है आवेदन पहुंच जाते हैं लेकिन वहां से उसको फिर वेरीफाई नहीं किया जाता और चीजें आगे नहीं बढ़ पाती, पेंशन नहीं प्राप्त हो पाता है। तो एक्चुअली वास्तव में प्रक्रियागत समस्या जो भी थी वो पूरा प्रक्रिया एक संबंधित प्रधान द्वारा बता भी दिया कि कैसे 30 दिन के भीतर सारी चीजों को आप कवर कर सकते हैं और फिर आपका 6 से 7 महीने में पेंशन आपको प्राप्त हो जाएगी। दूसरा जो विद्यालय के संदर्भ में आपके बंधी आपने देखा और दूसरा खटान की समस्या थी, तो जो भी शिक्षा विभाग से आए हुए थे उनको बोल दिया गया है और बीएससी को भी मेरे द्वारा यहाँ से जाएगा उस संदर्भ में जो अध्यापक हैं जो विद्यालय नहीं जा रहे हैं उनके द्वारा उनका कार्रवाई।